अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 33वीं पीढ़ी नागौर के मकराना में है। यहाँ के चंद्रवीर सिंह चौहान उनके वंशज होने का दावा करते हैं। जयपुर जिले के असपुर गांव का राव परिवार अरसे से चौहानों की वंशावली का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। अभी इसका संधारण 81 वर्षीय उदय सिंह राव व उनके पुत्र जवानी सिंह कर रहे हैं। चौहान वंश के शासकों ने रावों को उनकी वंशावली का संधारण करने की एवज में असपुर गांव जागीर में दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के मौके पर भास्कर अजमेर से 110 किलोमीटर दूर जयपुर जिले के असपुर गांव पहुंचा। यहां वंशावली का संधारण करने वाले 81 वर्षीय उदय सिंह राव बताते हैं कि चौहान शासक सांभर के थे। यहीं से वे अजमेर गए और उसे राजधानी बनाया। उनके पास पृथ्वीराज चौहान के पहले से चौहान राजाओं की वंशावली सुरक्षित है। पहले ताम्रपत्र फिर भोजपत्र में वंशावली मोटी भाषा में संधारित होती थी, अब इसे वही में संरक्षित किया जा रहा है। वंशावली संरक्षित रखने में काफी मेहनत होती है, इसके लिए वर्ष में एक बार मकराना राज परिवार से मिलने जाते हैं, वंशावली संरक्षित करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुत्र रेंसी थे, जिनके 4 पुत्र हुए, भूम विजयराज, गोपाल देव, पदम सिंह और वीर सेन। गोपाल देव के वंश में पृथ्वीराज चौहान की 15वीं पीढ़ी में कल्याण मल हुए, जिन्होंने विक्रम संवत 1608 में मकराना को अपने अधीन किया। विक्रम संवत 1784 में बुद्ध सिंह यहाँ शासक थे, तब मकराना का मारवाड़ रियासत में विलय हुआ। सम्राट पृथ्वीराज की इसी 32वीं पीढ़ी में स्व विजय सिंह हुए, जो विधायक भी रहे। 33वीं पीढ़ी में मौजूदा समय में चंद्रवीर सिंह चौहान हैं। मकराना के चंद्रवीर सिंह चौहान बताते हैं कि हमें गर्व है कि हम पृथ्वीराज चौहान की 33वीं पीढ़ी हैं। उनकी वजह से ही हमारे वंश को आज तक आदर सत्कार मिलता आया है। वे ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में कभी झुकना नहीं सीखा।